हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। धान की फसल में समय रहते करे रोगों का नियंत्रण। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय है अच्छी आय का जरिया। किसान भाइयों, धान भारत समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो फसल सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है, जिसकी खेती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से की जाती है। लेकिन इस फसल में सबसे अधिक रोगों का प्रकोप होता है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसलिए इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ ब्रज किशोर प्रजापति से। तो आज जो है हम धान की फसल में मुख्य रूप से लगने वाले कीट और बीमारियां जो है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो मुख्य रूप से जो है धान की फसल में ब्लास्ट नामक जो है रोग लगता है। यह रोग की पहचान जो आप समझ सकते हैं, पत्तियों पर जो होता है नावनुमा संरचना भूरे रंग की बनती है और इस पर जो होता है इसका जो नावनुमा संरचना है उसके बीच का जो भाग होता है वो जले हुए राख के समान सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और यह अत्यधिक होने पर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में रुक जाती है, जिसके कारण पौधे की बढ़वार भी कम होती है, पौधा बौना रह जाता है, कल्ले कम बनते हैं, उत्पादकता निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो यह बीमारी के नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से जो है कार्बेंडाजिम जो होता है उसी 50 WG WP मात्रा को जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप निश्चित रूप से छिड़काव करें। यह एक मुख्य रूप से बहुत आसान साधक है नियंत्रण का। अब आइए बात करते हैं खैरा रोग के बारे में। तो इसके लक्षण जस्ते की कमी वाले खेत में पौध रोपण के 2 हफ्ते के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधा बौना रह जाता है तथा कल्ले कम निकलते हैं और जड़ें भी कम बनती हैं और भूरी रंग की हो जाती हैं। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए 20 से 25 किग्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई पूर्व उपयोग करें। खड़ी फसल में 1000 लीटर पानी में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बिना बुझा हुआ चूने के घोल का मिश्रण बनाकर उसमें 2 किलोग्राम यूरिया मिलाकर छिड़काव करने से रोग का निदान तथा फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। अब तीसरा जो है मुख्य रूप से जो बीमारी धान के फसल में लगती है वह है अच्छंद अंगमारी जो होता है। यह जो है इसकी पहचान आप समझ सकते हैं कि इसके जो तना का भाग होता है जहाँ पानी से जुड़ा हुआ होता है, टच में होता है, वहाँ पर जो अंडे की नुमा संरचना होती है वह भूरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं और यह जो होता है धीरे धीरे जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं और जैसा सांप नुमा संरचना होती है वैसे पौधे पे आपको यह दिखाई देगा और यह एक कल्ले से दूसरे कल्ले में, तीसरे कल्ले में इस तरह से जो है एक दूसरे से संपर्क में आने के कारण जो होता है पौधे में बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाता है, जिसके कारण पौधे की जो है बढ़वार नहीं हो पाती है और उत्पादकता और कल्ले जो होते हैं कम बनते हैं। यह बीमारी के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो होता है कार्बेंडाजिम 50 WP की मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं या जो है प्रोपिकोनाजोल जो है 25 SC जो होता है उसकी जो है 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं या हेक्साकोनाजोल जो है इसकी भी जो है 2.5 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर के पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। भूरा धब्बा या पर्णचित्ती रोग। इस रोग का आक्रमण पौधों की वानस्पतिक अवस्था से लेकर बालियों में दाना भरते समय तक होता है। रोग के लक्षण मुख्य रूप से पत्तियों, पर्णछंद और दानों पर आक्रमण करता है।
पौधों की पत्तियों पर गोल अंडाकार आयताकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं और पूरा पौधा सूख कर मर जाता है। दाने पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिससे दाने हल्के रह जाते हैं और फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को नष्ट करें। इसके अलावा रोग रोधी किस्म IR36 की बुआई करें। धान की फसल में रोग का प्रकोप नहीं हो, इसके लिए बुआई से पहले कार्बेडांजिम दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल पर लक्षण दिखते ही कार्बेडांजिम या मेनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, तो इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अब जो है लास्ट में जीवाणु झुलसा रोग जो होता है, जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट है, और हमारे किसानों के द्वारा या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूचना मिल रही कि यह बीमारी लगी हुई है। तो यह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है, इसकी पहचान आप समझ सकते हैं कि जो धान का पत्ता होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है पीले रंग का होता है, और आप देखेंगे चिपचिपा सा होता है, जैसा कि पानी उससे निकल रहा है। सुबह या शाम में देखने में उससे पानी बूंद बूंद में आपको दिखेगा। और यह जो होता है भूरे रंग का होते हुए, नारंगी रंग का होते हुए जो है धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, और यह पत्ती के दोनों किनारे से होता हुआ नीचे की ओर बढ़ता है और पत्ते का जो है पूर्ण रूप से जो है सूख कर गिर जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज जो है बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए जो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर की दर से आप घोल कर छिड़काव कर सकते हैं, या जो होता है प्लेंटोमाइसिन जो है उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी 3 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल कर जो है आप छिड़काव करके जो है इस बीमारी के नियंत्रण को आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई कीट बीमारी और जो बैक्टीरिया के होने वाली बीमारियां हैं, इनको अगर आप निश्चित रूप से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को धान की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है, और घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल। मुर्गियों की एक बहुत बेहतरीन, बहुत प्रचलित, बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली जो नस्ल है कड़कनाथ, उसका पालन यहाँ के आदिवासियों द्वारा, झाबुआ जो यहाँ का क्षेत्र है उसके आदिवासियों द्वारा उसका पालन किया जाता है, और धीरे धीरे ये नस्ल पूरे मध्य प्रदेश और अब पूरे भारत में इसका पालन प्रारंभ किया जा रहा है, और किसान भाइयों द्वारा इस नस्ल के पालन से बहुत लाभ प्राप्त किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आप भी इस लाभ में हिस्सेदार बने और आप किस प्रकार से इसका पालन करें। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कड़कनाथ, ये इस नस्ल का नाम कालामासी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मांस है, इसका जो मीट है, उसका कलर पूरा काला होता है। और इसके साथ साथ में ऐसी भ्रांतियाँ भी मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंडे का रंग भी काला होता है, ये सत्य नहीं है। इसके अंडे का रंग बाकी देसी नस्लों की तरह भूरा होता है, ब्राउन होता है, केवल इसके मांस का कलर काला होता है, और इसका जो रक्त है वो भी डार्क ब्राउन कलर का होता है, काले रंग का इसमें रक्त नहीं होता है। तो जब भी आप कभी
कड़कनाथ नस्ल के चूजों को या इनकी मुर्गियों को कहीं से विक्रय कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो पूरी बाहर से पूर्ण रूप से उसकी कलगी, उसका जो लटकन है वो सभी बैटल जिसको बोलते हैं वो सभी पूर्ण रूप से काले हों, उनके पैर पूरे काले हों, उनके पंजे काले हों। जब ये पूर्ण रूप से काली होगी तो निश्चित रूप से वो नस्ल कड़कनाथ है। अगर किसान कम लागत और कम स्थान में देसी मुर्गी पालन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल को पालना काफी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी के मांस और अंडों में प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही उसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है, इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट न के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। यह दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। तो इस नस्ल को प्राप्त करने के लिए आप झाबुआ का जो शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और कुछ और अन्य संस्थानों में भी ये नस्ल उपलब्ध है। किसान भाइयों, कड़कनाथ नस्ल का जो चूजा है उसका जो साइज है, उसका जो वजन है, वो अन्य चूजों जो अन्य नस्ल के चूजे हैं उनके मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें भी हमको कुछ सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। जैसे कि इनके जो ब्रूडिंग का समय है वो अन्य नस्लों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है, इनको ज़्यादा समय तक गर्मी देने की ज़रूरत पड़ती है। इनके आवास और बाड़े का निर्माण के लिए किसान भाइयों आपको एक, अगर आप 100 मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो आपको करीब 300 से 400 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है। प्रति मुर्गी 3 से 4 स्क्वायर फीट एरिया, उसमें से भी आप उस 300 से 400 स्क्वायर फीट एरिया में से उसका एक तिहाई हिस्सा, 1/3 आप किसी एस्बेस्टस शीट की एक छतनुमा बनाकर अब थोड़ा उनके रहने, उनको गर्मी बरसात और धूप से बचने के लिए एक रहवास बनाना होता है, और बाकी एरिया को बाउंड्री वाल करके आपको बाकी शिकारी जो जानवर हैं उनसे बचाने के लिए आपको उसको एक बाड़ाबद्ध कर देना होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। यह हरे चारे में बरसीम, बाजरा, चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। इनके दाने में भी एक विशेष बात है कि इनमें चूंकि प्रोटीन और ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो ब्रायलर नस्ल की मुर्गियों का दाना है वो अगर इनको दिया जाता है तो उसमें आपको वृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन चूंकि उनकी कीमत ज़्यादा है तो आपका लाभ कम हो जाएगा। इसलिए आप इनको 16 से 18% प्रोटीन का भी दाना अगर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी बनी रहेगी और आपकी जो दाने में होने वाले खर्चे को भी आप कम कर सकेंगे। इसके बाद में दाने की मात्रा, जो छोटा बच्चा है उसको आपको प्रथम दिन 10 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे दाने की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं और वयस्क मुर्गी में करीब 100 ग्राम दाना प्रतिदिन आपको इनको देना होता है। क्योंकि कड़कनाथ नस्ल वैसे तो वातावरण के लिए बहुत अच्छी अनुकूलतम मानी गई है, लेकिन इनमें बीमारियाँ भी बहुत कम होती हैं, लेकिन तो भी हमको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें रानीखेत नामक बीमारी का टीका नियमित अंतराल पर रखता रहे, जो कि 5 से 7 दिन की उम्र में, 21 दिन की उम्र में, इसके बाद 56 दिन की उम्र में लगाया जाता है, उसके बाद हर 2 माह के अंतराल पर आपको कड़कनाथ नस्ल की जो लेयर मुर्गी है उसमें आपको ये टीका लगाते रहना है, लासोटा स्ट्रेन का आपको उपयोग करना है। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है।
इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्च आता है और बाजार में यह 700 से 900 रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही राज्यों के पशुपालन विभाग से भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। फलदार पौधों में पपीता की बागवानी किसान को कम समय में अच्छी आय देने वाली फसल है। इसकी बागवानी करके किसान अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको जयपुर के प्रगतिशील किसान रमेश यादव से मिलवा रहे हैं, जो पपीता की खेती पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मैं आपको पपीता, जो पपीता के पौध तैयार करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। किसान भाइयों, ये किसान पपीता की पौध उन्नत तकनीक से कर रहे हैं, जिससे इनके पौधे खराब नहीं होते हैं और स्वस्थ पौध की प्राप्ति होती है। अपन को जो ट्रे आती है प्लास्टिक की, जो अपने जो ट्रे ली है उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट खाद लेनी है। कोकोपीट को पहले दिन भिगोना है, भिगो के तो वो अच्छी तरह से भीग जाएगा। दूसरे दिन दो बाग लेना है कोकोपीट को और एक बाग लेना है वर्मी कंपोस्ट का। उसको मिक्स करके जो अपने ट्रे लिए उसमें भरना है। उसको ज़्यादा दबाना भी नहीं है, हाथ से फेर के उसको भर देना है। भर के उसमें जैसे जारा है उससे पानी दे के, पानी देने से उसमें क्या पूरा में नमी हो जाएगी। जो अपने पौध तैयार कर रहे हैं उस बीज को अपन बोरी के टाट में 3 दिन के लिए भिगोना है। 3 दिन के लिए भिगोने के बाद में उसको हल्की सी धूप में उसको सुखाना है। सुखा के ये मैंने जो पौध तैयार की है, ये रेलेडी ताइवान है, ये मैंने इसी प्रकार से तैयार की है। ये जैसे ट्रे भर ली, उसमें खड्डा करना है, खड्डे करके उसमें एक एक बीज डालना है। एक एक बीज डालने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा ढकना है। इसमें विशेष प्रकार से ध्यान तो ये रखना है, पानी का ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी का समय पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पौधा क्या है, इसमें जैसे ही उगेगा तो अगर नमी नहीं रहेगी तो वो पौधा ख़त्म भी हो सकता है। इसमें पानी कैसे देना चाहिए, या तो अपने पास झारा होना चाहिए इसमें पानी देने के लिए। जैसे झारे से पानी दे दिया, ये 15 दिन में अंदर ये पौध निखरना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने ये पपीता की पौध तैयार की है, ताइवान रेडी जो ये पौध तैयार की है। पोटरे से पपीता के पौधों को एक एक करके बाहर निकालना चाहिए, ताकि पौधों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो और पौधों की अच्छी बढ़वार हो सके। अगर अपनी जो ट्रे में जो पौध है, अगर 45 दिन की हो गई, अपन अगर खेत में लगा रहे हैं तो डायरेक्ट अगर अपन ट्रे को ले जाके भी, वैसे भी अगर अपन ऐसे एक एक पौधा निकाल के अपन खेत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, नर्सरी में अगर इनको थैलियों में अगर कोई ले जाना चाहता है तो थैलियों में, यहाँ फिर थैलियों में ट्रांसफ़र होके, जैसे जो अपने जो कोकोपीट ये डाला है इसी कारण डालते हैं जिसमें से पौधा, जैसे थैली में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या खेत में लगाना चाहते हैं तो आसानी से ये पौधा
ट्रे से निकल के अपने खेत में लगा सकते हैं। जो पौधा अपन ट्रे से निकालेंगे उसमें ये पूरा कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट, ये पूरा उस पौधे के साथ ही आना चाहिए। पपीता की पौध तैयार होने के बाद आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि पपीता के पौधे खेत में लगाने के बाद नष्ट नहीं हो और आपको आगे चलकर इन पपीता के पौधों से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। अब जैसे अपनी पौध 45 दिन की हो गई, अपन को अगर खेत में पौधे लगाने हैं तो कुछ बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। जैसे बेड बना दी, बेड बनाने के बाद में ये पौधे जो बेड बनाई है उसके ऊपर से थोड़े निचले भाग में लगाना चाहिए। अगर पौधे में अगर पानी अपन ठावले बना के वैसे लगाते हैं तो वो पौधा ख़त्म हो जाता है। कारण ये है कि उसमें फंगस आती है। उसमें ये जो बेड बनाई है उसमें केवल नमी आनी चाहिए। एक तो इस पानी का ध्यान रखना चाहिए, दूसरी बात ये खरपतवार है इसका ध्यान रखना चाहिए, और कुछ पानी का ध्यान रखे, और सर्दी में पाला से बचाने की थोड़ी सी वो करना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजापुर जिला सतना के समीर यादव ने। आपने यूरिया मोलासिस बनाने और पशुओं को खिलाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10-14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दूध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखे कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखा ग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889613 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।